हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नेहा। मैजिकल रेसिपीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है गोभी के पकोड़े। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गोभी के पकोड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले गोभी को उबाल लेंगे। तो गोभी को उबालने के लिए मैं यहां पर पानी डाल दूंगी इसमें, और साथ ही साथ में एक टेबल स्पून नमक भी डाल दूंगी, और इसे लगभग 2 मिनट तक उबाल लेंगे। देखिए, हमारी गोभी उबल चुकी है। इसे हम निकाल लेंगे और इसे छान लेंगे। अब हम गोभी को मैरिनेट करने के लिए एक चटनी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर धनिया पत्ता, और इसमें हम 2 हरी मिर्च डाल देंगे, और 5 से 6 लहसुन की कलियाँ, और अदरक, और 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका हम एक फाइन पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो हमारी चटनी बनकर तैयार है। तो इसमें मैं नमक डालना भूल गई थी, इसीलिए मैं यहाँ पर नमक डाल दूंगी स्वाद अनुसार, और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस चटनी को हम गोभी में डाल देंगे, और गोभी के साथ इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और साथ ही साथ मैं इसमें 2 टेबलस्पून बेसन भी डाल दूंगी, ताकि हमारी गोभी अच्छे से चटनी के साथ कोट हो जाए। तो देखिए, हमने इसे अच्छे से मिला लिया है। अब इसको हम 10 मिनट तक ढककर रेस्ट करने के लिए छोड़ दें। तब तक हम बेसन का घोल बनाकर तैयार कर लेंगे। 2 कप बेसन ले लेंगे, और इसमें हम स्वाद अनुसार नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी कलौंजी डाल। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे, और बेसन को हम तैयार कर लेंगे। बेसन को हम अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो देखिए, हमारा जो बेसन है वो रेडी है। तो इसे हम 5 मिनट तक रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम पकौड़े को फ्राई करने के लिए तेल को गर्म कर लेंगे। तो पकौड़े को हम डीप फ्राई करने वाले हैं। तो एक पैन में हम तेल ले लेंगे, और तेल को हम गर्म कर लेंगे। तो तेल हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक एक करके पकौड़ों को इस तरीके से डालते जाएंगे। फ्लेम को हम यहाँ पर मीडियम पर रखेंगे। पकौड़ों को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम इसे डबल फ्राई करेंगे, इसीलिए हम इसे हाफ फ्राई करके ही निकाल लेंगे। पकौड़े हम फ्राई कर चुके हैं, तो इसे हम निकाल लेंगे, और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब पकौड़ा ठंडा हो जाएगी, तब हम इसे डबल फ्राई कर लेंगे। तो पकोड़े हमारे ठंडे हो चुके हैं, तो इसे हम डबल फ्राई करने के लिए इसे इस तरीके से हल्का सा प्रेस करेंगे। इसको ज़्यादा प्रेस नहीं करना है, नहीं तो इसका कुछ चुंबर बन जाएगा। पकोड़ों को हम क्रिस्पी बनाने के लिए इसे डबल फ्राई करेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब हम हाई फ्लेम पर पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे 1 मिनट के लिए। इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ, आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। तो हमने यहाँ पर 1 मिनट तक इसे फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेंगे। तो हमारा सुपर क्रिस्पी गोभी पकौड़ा बनकर तैयार है। तो इस गोभी पकौड़ा को आप एक बार जरूर घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो चलिए, मिलते हैं कोई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।